हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं आईडीवी सोर्सिंग चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा ऑनलाइन करके हिकविजन का एक इकोसेंस नेटवर्क कैमरा, जो कि ये आप देख रहे होंगे सामने। इस कैमरे को आप ऑनलाइन कैसे करेंगे और विदाउट एनवीआर का आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे किस तरह से इसे ऑनलाइन व्यू करके देखेंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। और इसका मैंने सेटअप का भी वीडियो बना रखा है विदाउट एनवीआर का, आप इसका कॉन्फिगरेशन कैसे करेंगे उसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो है, वो भी आप जरूर देख लें अगर आपको इसका सेटअप जानना हो तो। आज ये वीडियो बेसिकली इसको ऑनलाइन करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन करके अपने मोबाइल पे व्यू करके देख सकते हैं और इसके जो फीचर्स हैं उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं। विदाउट टाइम वेस्ट के चलते और देखते हैं फिर इसे ऑनलाइन कैसे किया जाता है। ओके, तो हमें सबसे पहले करना यह है कि जो हमारा ये कैमरा है उसे हम लोग पीओई स्विच के साथ अटैच कर लेंगे, जो कि ये पैच केबल से हमने अटैच कर रखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक पैच केबल लगाया हुआ है जो कि हमारे पीओई स्विच से निकल के कैमरे में लगा हुआ है इस जगह पे, और दूसरा यहाँ पे वायर मैंने लगाया जो कि हमारा राउटर में लगा हुआ है जिसके थ्रू मैं इसे इंटरनेट का कनेक्शन दे रहा हूँ, और एक और वायर हमने वहाँ पे लगा रखा है पीओई के अंदर जिसे मैं यहाँ अपने लैपटॉप में अटैच किया हुआ हूँ। ठीक है, तो इतना करने के बाद हमें बस पीओई को लाइन देना है, और लाइन देने के बाद इस तरह से ब्लिंक स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन हमें और क्या करना होगा। तो मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको एक ब्राउजर ओपन करना होगा। ब्राउजर ओपन करके हम लोग एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है एसएडीपी टूल्स। तो ब्राउजर ओपन करने के बाद गूगल ओपन करेंगे और यहाँ लिखेंगे एसएडीपी टूल डाउनलोड। तो देख रहे हैं आप, मैंने एसएडीपी टूल डाउनलोड लिख के सर्च किया है। यहाँ जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आएगा www.hikvision.com का, जहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा एसएडीपी फॉर विंडो। आपको इसे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये hikvision.com का पेज ओपन होके आएगा और जहाँ पे लिखा हुआ एसएडीपी फॉर विंडो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ डाउनलोड सेक्शन मिलेगा और यहाँ नीचे लिखा हुआ एसएडीपी फॉर विंडो, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक टर्म्स कंडीशन का एग्रीमेंट आपसे यस करवाएगा, जहाँ आपको एग्री विथ दिस टर्म्स पे क्लिक करना होगा। आप एग्री जैसे ही करेंगे यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, और ये 34.7 MB का सॉफ्टवेयर है आप जो कि देखिए हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। अब हम शो इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है जो कि 34.7 MB का फाइल है। ठीक है, तो ये विनरार फाइल डाउनलोड हो गया है, इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। ओपन करने के बाद आप यहाँ नीचे देख रहे होंगे sdptool.exe लिखा हुआ है, आपको दो बार इस पे क्लिक करना है इंस्टॉल करने के लिए। जैसे ही आप दो बार क्लिक करेंगे आपसे परमिशन मांगेगा, आपको वहां पे यस करना है। ओके, तो आप जैसे ही यस करेंगे आपके सामने ये विंडो खुल के आएगा और यहाँ आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पहला ऑप्शन इंग्लिश का आपको सेलेक्ट रखना है लैंग्वेज में, और फिर से यहाँ नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद इस जगह पे आपसे लोकेशन पूछ रहा है, अभी ये सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल के अंदर जाके इंस्टॉल होगा, तो आप चाहें तो यहाँ से चेंज पे क्लिक करके इसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अभी इसी लोकेशन पे रहने दूंगा और नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ इंस्टॉल का बटन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है और ये इंस्टॉलेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जैसे ही आपका इंस्टॉल कंप्लीट होगा एक नया विंडो आएगा और यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट का। इसे अगर आप सेलेक्ट कर देते हैं तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा, अगर आप इसे अनसेलेक्ट कर देंगे तो शॉर्टकट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसे सेलेक्ट रहने देता हूँ और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ ऑप्शन आ रहा है रन द एप्लीकेशन का, तो इसे सेलेक्ट ही रहने देते हैं, फिनिश कर देते हैं, ये ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ डेस्कटॉप पे एसएडीपी टूल्स करके एक सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ और फिर से ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट आइकन बन गया है एसएडीपी टूल्स का, तो आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, अगेन परमिशन मांगेगा, यस करेंगे। यस करने के बाद ये रेजुलेशन से जुड़ा हुआ कुछ जानकारी आपको दे रहा है, ये बोल रहा है कि 1024x768 मिनिमम रेजुलेशन आपका हो तो ये सॉफ्टवेयर अच्छे से रन करेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना रेजुलेशन अगर आपका नहीं भी हो तो आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंफर्म पे आप क्लिक करते हैं एक और मैसेज आपके पास आएगा, जहां पे ये आपसे पूछ रहा है कि आप ऑटोमेटिक अपडेट को इनेबल करना चाहते हैं या डिसेबल रखेंगे। अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो जब भी इसका लेटेस्ट वर्जन आएगा ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा उस वर्जन पे, और अगर आप डिसेबल कर देते हैं तो ये अपडेट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसे डिसेबल रहने देता हूं। उसके बाद देखिए यहां पे हमारा कैमरा ओपन होकर आ गया है, और आप देख पा रहे होंगे अभी एक कैमरा लगा हुआ है, उसका यहां पे हमें डिवाइस टाइप दिखा रहा है जो कि मॉडल नंबर शो हो रहा है, और यहां हमें आईपी दिखा रहा है जो अभी 192.168.1.10 है। ठीक है, तो इस जगह पे आपको क्या करना है, ये छोटा सा बॉक्स है इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं यहां पे इसके सारे डिटेल्स आपके पास आ गए हैं, और सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है इनेबल DSCP का, तो आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा इनेबल हिक कनेक्ट का ऑप्शन, आप इसे भी सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपसे वेरिफिकेशन कोड सेट करने का एक ऑप्शन दिया जाएगा, आप यहां पे अपने हिसाब से वेरिफिकेशन कोड को सेट करेंगे जो कि 6 डिजिट से लेकर 12 डिजिट का होना चाहिए, जिसमें आप अल्फाबेट यूज कर सकते हैं स्मॉल और कैपिटल दोनों, और न्यूमेरिकल भी यूज कर सकते। तो मैं यहां पे
अपने हिसाब से एक वेरिफिकेशन कोड सेट कर ले रहा हूँ जिसका हमें आगे काम पड़ेगा, और वेरिफिकेशन कोड री एंटर करने के बाद आप यहाँ से कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड हम लोगों ने सेट किया था अभी कैमरे में, वो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल के मॉडिफाई पे क्लिक कर देंगे। सेटिंग नेटवर्क पैरामीटर सक्सेस आपके पास मैसेज आ गया है, यानी कि आपका सारा सेटिंग सक्सेस रहा। और ये पहले 1.10 था आईपी इसका, अभी आप देख पा रहे होंगे ये 43.152 हो गया। तो जो हमने डीएससीपी यहाँ इनेबल किया था उससे ये ऑटोमेटिक आईपी डिटेक्ट कर लिया है। अब एक बार रिफ्रेश इसको कर लेंगे और यहाँ जो आईपी आपको दिख रहा है इस पे आपको दो बार क्लिक करना है। जैसे ही आप दो बार क्लिक करेंगे ये आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन होगा। तो देख रहे हैं इस तरह से लॉगिन पेज आपके सामने खुल के आएगा, यहाँ पे आपके लॉगिन कर लेना है। तो बाय डिफॉल्ट यूजर एडमिन ही रहेगा इसका, पासवर्ड आपको यहाँ पे इंटर करना है, इंटर करके आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप लाइव व्यू में आ जाएंगे, ये लाइव स्क्रीन अभी हमारे पास चल रहा है। आप बेसिकली डीएससीपी टूल्स जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था डीएससीपी इनेबल करने और हिक कनेक्ट को इनेबल करने, आप यहाँ से डायरेक्टली उसे इनेबल कर सकते हैं, या फिर जब आप इसे लॉगिन कर लेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नेटवर्क के अंदर आपको आना है, बेसिक सेटिंग के अंदर आप जाएंगे और यहाँ देखिए डीएससीपी का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से भी आप इसे इनेबल कर सकते हैं। और एडवांस सेटिंग के अंदर जाएंगे आप और यहाँ प्लेटफॉर्म एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म एक्सेस मोड दे रहा होगा जिसपे आपको क्लिक करके सेकेंड ऑप्शन हिक कनेक्ट का जो है वो आपको चूज कर लेना है और यहाँ इसे इनेबल कर देना है। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, जैसे ही आप इनेबल करेंगे वेरिफिकेशन कोड सेट करने के लिए आपको बोला जाएगा, आप वहाँ पे वेरिफिकेशन कोड सेट कर लेंगे और यहाँ से इसे सेव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रजिस्टर्ड स्टेटस हमारा यहाँ ऑनलाइन दिख रहा है। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन आपको बस इतना ही करना था, स्टेटस जैसे ही आपका ऑनलाइन दिख जाएगा इसके बाद अब हम लोग एक ब्राउजर ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग गूगल में जाके सर्च करेंगे हिक कनेक्ट को। आपको लिखना है यहाँ पे हिक कनेक्ट और इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे आपके सामने www.hikconnect.com का ऑप्शन खुल के आएगा इस तरह का, आप हिक कनेक्ट पे यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह का पेज ओपन होकर आपके सामने आएगा और यहाँ आपको नीचे रजिस्टर्ड का ऑप्शन मिलेगा, आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे पहले रजिस्टर्ड करना होगा फिर आप लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ से हम लोग यूजर और पासवर्ड जनरेट करेंगे। ठीक है, तो रजिस्टर्ड पे आप क्लिक कर लेंगे। जैसे रजिस्टर्ड पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे यूजर नेम पूछ रहा है, आप यूजर नेम कुछ रखें। तो इस जगह पे दोस्तों हमें अपना यूजर नेम सेट करना है, तो मैं यहाँ पे यूजर नेम टाइप कर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक यूजर नेम डाल दिया। अब पासवर्ड ये मुझसे पूछ रहा है तो एक पासवर्ड मुझे यहाँ पे सेट करना है, जो कि मैंने ये भी सेट कर दिया। पासवर्ड को री एंटर आपको करना है, और अगर पासवर्ड में आप अल्फाबेट न्यूमेरिकल सिंबल तीनों यूज करते हैं तो ये ग्रीन कलर का इस तरह से आ जाएगा सिंबल और आपको बताएगा कि हाँ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, सेफ पासवर्ड है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्री रीजन पे क्लिक करना है और एशिया सेलेक्ट करना है। एशिया के अंदर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। जैसे ही एशिया सेलेक्ट करेंगे देखिए यहाँ इंडिया का ऑप्शन आएगा, इसे आपको क्लिक करना है और यहाँ पूछ रहा है सीओ टू सेलेक्ट इंडिया, आपको करना है ओके। तो यहाँ देख रहे हैं आप इंडिया सेलेक्ट हो चुका है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप ईमेल के थ्रू करना चाहते रजिस्ट्रेशन या फिर मोबाइल नंबर के, तो मैं अभी मोबाइल नंबर यूज करना चाहूंगा। तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करते हैं देखिए आपका कंट्री कोड यहाँ पे शो कर रहा है और उसके जस्ट नीचे मोबाइल फोन नंबर का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर लेंगे जिस भी मोबाइल नंबर से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद यहाँ एक कैप्चा का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो ये कैप्चा आपको फिलअप करना है। तो मैं यहाँ पे कैप्चा फिलअप कर दिया और इस जगह पे एग्री करने बोल रहा लाइसेंस को, तो आप यहाँ से क्लिक कर लेंगे एग्री पे, आई एग्री और नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे एक वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल नंबर पे सेंड होगा, जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला है यहाँ पे वो आपको यहाँ सबमिट करना होगा। ठीक है, तो वेरिफिकेशन कोड आ चुका है। तो कोड डालने के बाद आप ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे देखिए यहाँ पे रजिस्टर्ड सक्सेसफुल लिख के आ गया और ये ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होने के बाद देखिए आपके अकाउंट का डिटेल्स दे रहा है, आप चाहें तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी मॉडिफाई करके डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यूजर क्रिएट करने के बाद भी अपना ईमेल आईडी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमें चलना है डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर। डिवाइस मैनेजमेंट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डिवाइस मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का ओपन हो के आएगा और नो डिवाइस शो हो रहा है। बगल में ऐड का ऑप्शन मिल रहा है, ऐड पे हमें क्लिक करना है। यहाँ हमें डिवाइस का सीरियल नंबर मांग रही है। सीरियल नंबर जानने के लिए आप कैमरे के नीचे की स्टिकर दिया रहता है जिसमें आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा। अगर वहां नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप एसएडीपी टूल्स को ओपन करेंगे, कैमरा को सेलेक्ट करेंगे और देखिए यहाँ पे डिवाइस सीरियल नंबर दिख रहा है, या फिर नीचे यहाँ रोलर है एक, इसको आप अगर इस तरह से स्लाइड करेंगे तो देखिए यहाँ भी डिवाइस का सीरियल नंबर शो हो रहा है। और इस जगह पे कर्सर लाके आप इसे ओपन करेंगे तो ये पूरा सीरियल नंबर आएगा आपके सामने, जिसमें से ये लास्ट का जो डिजिट है आपको ई लेना है और ई के बाद का जितना भी डिजिट है आपको वो लेके यहाँ पे टाइप करना है और देखने के बाद इस जगह पे आपको उसे इंटर करना है। ठीक, तो मेरे डिवाइस का जो सीरियल नंबर है मैं फिलहाल उसे सबमिट कर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे डिवाइस का सीरियल नंबर डाल दिया। अब सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से ओपन होके आएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें मॉडल नंबर दिखा रहा है और यहाँ ब्रैकेट में मेरे डिवाइस का सीरियल नंबर दिख रहा है और यहाँ प्लस का एक सिंबल दिख रहा होगा, तो आपको इस प्लस के सिंबल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। मैंने आपको बताया था वहां जो आप वेरिफिकेशन कोड डाले थे, आपको नहीं याद है तो आप वेरिफिकेशन कोड को देख सकते हैं। फिर से जाके नेटवर्क के अंदर एडवांस सेटिंग के अंदर आपको जाना है प्लेटफॉर्म एक्सेस में और यहाँ आपको आपका डिवाइस का जो वेरिफिकेशन कोड है देखिए यहाँ पे दिखेगा जो मैंने सेट किया था।
तो हमें ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे इंटर करना है, तो मैं वेरिफिकेशन कोड को भी इंटर कर दे रहा हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ ऐड के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से पेज ओपन होके आएगा, जहाँ पे ग्रीन कलर से टिक किया हुआ रहेगा, नीचे लिखा रहेगा एडेड, यानी आपका डिवाइस सक्सेसफुल ऐड हो चुका है। और यहाँ आप चाहें तो इसको हटा के अपना नेम अगर डिवाइस का कुछ डालना चाहते हैं तो आप नेम भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कैमरा डाल दे रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से आप नेम सेट कर सकते हैं। और डिवाइस का डोमेन ये है आपका, जो कि सीरियल नंबर ही होता है, और डिवाइस का सीरियल नंबर भी यही है आपका। इसके बाद आपको बस यहाँ से ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो डिवाइस एडेड सक्सेसफुल, आप देख रहे हैं यहाँ पे डिवाइस हमारा ऐड हो चुका है और स्टेटस यहाँ पे ऑनलाइन दिख रहा है। अब हम लोग मोबाइल में इसे कैसे देखेंगे, तो यहाँ आप देख पा रहे हिक कनेक्ट ऐप का एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक QR कोड आपके सामने ओपन होगा, तो आप इसको स्कैन करेंगे और अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि ये हिक कनेक्ट ऐप आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके जगह पे आप IBMS 4500 भी यूज कर सकते हैं, मैं दोनों आपको दिखाऊंगा। तो पहले हम लोग चलते हैं मोबाइल पे और हिक कनेक्ट को डाउनलोड करके देखते हैं उसमें हमें और क्या करना होता है, ठीक है। ओके, तो मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहां हमें सबसे पहले QR को स्कैन करना है। इस तरह से आप QR को स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद आपको एक लिंक दिया जाएगा जिस लिंक को हम लोग ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे गो टू डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पे टैप करेंगे। जैसे ही टैप करेंगे ये डाउनलोड होने लगेगा। और यहाँ नीचे देखिए इंस्टॉल 100.69 MB का ऐप है, इसको इंस्टॉल पे हम लोग क्लिक कर देंगे। और जैसे मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड फाइल होने लगा है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे 100.69 MB का ये फाइल है और ये डाउनलोड हो रहा है अभी। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाता है मैं इंस्टॉल करके आपको फिर बताता हूँ। ओके, तो आप देख रहे हैं ये डाउनलोड हमारा हो चुका है, मैं इस पे टैप करता हूँ। जैसे टैप किया ये देखिए यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन मांग रहा है, मैं इसे इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। और जैसे इंस्टॉल पे आप क्लिक करेंगे ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके मोबाइल में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन हमारा चल रहा है हिक कनेक्ट का। और जैसे ही इंस्टॉल होता है आपके पास ओपन का ऑप्शन आएगा, आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपसे अलाउ मांगेगा, कुछ एक्सेस परमिशन ये मांगेगा, तो आपको अलाउ कर देना है और यहाँ पे एग्री कर लेना है इसके टर्म्स कंडीशन को। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है, अगर सेलेक्ट ना आए तो आप इस पे टाइप करके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी इंडिया सेलेक्ट है, मैं ओके करके आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद आप लॉगिन पेज के पास पहुंचेंगे। तो अब यहाँ पे हमें लॉगिन करना है, जो हम लोगों ने अभी ID क्रिएट किया था हिक कनेक्ट के वेबसाइट पे जाके, उसी ID से हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन पे हम लोगों ने टाइप किया, लॉगिन पे आप टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर से लॉगिन मांग रहा है, या फिर अगर आप यूजर बनाए हैं तो ये मैसेज वाले बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, यूजर और ईमेल आईडी का यहाँ से ऑप्शन आपको मिलेगा। मैंने यूजर अपना क्रिएट किया हुआ था, तो मैं यूजर से यहाँ पे लॉगिन करूंगा। यूजर आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड सबमिट करना है, जो कि आपने बनाया था हिक कनेक्ट के वेबसाइट पे, और लॉगिन पे टैप कर देना। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ नीचे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, जिसपे आपको टैप करके लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है मुझसे फिंगरप्रिंट ऑप्शन को ऑन करें या नहीं, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ फिलहाल। जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन किया, देखिए यहाँ पे कैमरा लिखा हुआ आ रहा है, जो कि मैंने डिवाइस को नेम दिया था कैमरा का, आपको इस पे टैप करना है। और जैसे ही टैप करेंगे अगेन यहाँ आपसे वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। ये वन टाइम इंस्टॉलेशन है, किसी भी न्यू मोबाइल में जब भी आप इंस्टॉल करेंगे तो ये एक बार आपसे वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, बार बार नहीं। मैं यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कोड डाल दे रहा हूँ, जो कि मैंने वहाँ सेट किया था, और ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये लाइव व्यू स्टार्ट हो चुका है। मैं डबल टैप करूंगा तो छोटा हो जाएगा, डबल टैप करूंगा तो बड़ा हो जाएगा। और इस तरह से आप जूमिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग मोबाइल में इमेज वगैरह को जूम इन जूम आउट करके देखते हैं, इस तरह से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। मोबाइल को अगर आप फ्लैट कर देंगे तो फुल स्क्रीन में ये चलेगा, और फिर से इधर कर देंगे तो ये हाफ स्क्रीन में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स हमें ऐप के अंदर मिल जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ बेसिक लिखा हुआ दिख रहा है। आप इस पे टाइप करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे स्टैंडर्ड और HD का। आप HD में अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये कैमरा आपको HD में व्यू करके दिखाएगा। यहाँ आपको थोड़ी सी ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी HD के अंदर। आप देख पा रहे हैं यहाँ थोड़ा क्लियर चलने लगा है, ये जो स्विच बोर्ड है देखिए आप क्लियरली दिख रहा है। अगर मैं इसे बेसिक पे करता हूँ अगेन, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये धुंधला जैसा आता है, देखिए दिख नहीं रहा है पूरा। स्टैंडर्ड भी मैं दिखा दे रहा हूँ, तो स्टैंडर्ड पे अगर आप सेलेक्ट करते हैं ये उससे थोड़ा सा क्वालिटी को बेटर करता है, पर सबसे बेस्ट क्वालिटी आपको HD के अंदर देखने मिलेगा। इसमें नेट आपका थोड़ा सा ज्यादा खर्च होगा, बट आपको क्वालिटी जो है बिल्कुल HD मिलेगी। आप देख पा रहे हैं बहुत क्लियर क्वालिटी यहाँ पे दे रहा है हमें अंदर। और उसके बाद यहाँ नीचे में कुछ ऑपरेटिंग आपका दिया हुआ है, जैसे कि ये कैमरा का सिंबल है। कैमरा पे अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए एक फोटो कैप्चर करके ये गैलरी में हमारा सेव करके रख देता है। उसके जस्ट बगल में यहाँ पे आपको वीडियो कैमरा का सिंबल दिख रहा होगा, अगर आप इस पे टाइप कर देंगे तो ये आपके मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में अभी कैमरे का रिकॉर्डिंग करने लगेगा, रेड कलर का शो कर रहा है। अगर हम दोबारा टाइप करेंगे तो देखिए ये रिकॉर्डिंग सेव हो गया है, जिसपे हम टाइप करेंगे तो देखिए इस तरह से ये रिकॉर्डिंग को सेव कर लिया है। आप इस तरह से अपने मोबाइल में भी चाहें तो इस कैमरे का रिकॉर्डिंग को
सेव करके रख सकते हैं। बाद अगर आपको मोबाइल से प्लेबैक देखना है तो देखिए यहाँ पे 3 डॉट दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे सबसे पहला ऑप्शन आता है प्लेबैक का, आप उस पर क्लिक कर देंगे। प्लेबैक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अपना टाइम सेलेक्ट करना होगा, डेट और टाइम। तो देखिए यहाँ पे 19 तारीख पे आप देख रहे हैं एक रेड कलर का छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, यानी कि 19 तारीख को ये कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग है। मैं 19 तारीख का डेट सेलेक्ट कर लिया और जिस टाइम पे रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक देखिए वो वहाँ पे दिखा रहा है। अभी आप कैमरे के ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पे तो 20:53 का टाइमिंग दिखा रहा है 19 तारीख का, ये रिकॉर्डिंग है। नीचे इस तरह से आप स्लाइडर करेंगे, नीचे आप इस तरह से आगे पीछे करके टाइमिंग को बढ़ा या घटा के देख सकते हैं रिकॉर्डिंग अपना। ये अभी आप प्लेबैक देख रहे हैं, जो कैमरे के अंदर चिप लगा हुआ है आप उसका प्लेबैक देख रहे हैं, ठीक है। बैक जाने के लिए आप यहाँ एरो पे टैप करेंगे, बैक आ जाएंगे। अभी आप लाइव स्क्रीन में फिर से आ गए हैं। और इसके अलावा अगर आपको हिक कनेक्ट ऐप नहीं मिल पा रहा है तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर पे आने के बाद एक ऐप है IBMS 4500, यहाँ आपको टाइप करना है IBMS 4500। देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, ये वाली ऐप है IBMS 4500, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो ये इस तरह से खुलेगा और आपके सामने डायरेक्टली ये पेज ओपन होके आएगा। यहाँ आपको ऊपर में 3 डॉट दिख रहा होगा, आपको 3 डॉट पे टैप करना है। नॉट लॉगिन यहाँ पे दिखा रहा है तो हम यहाँ पे टैप कर लेंगे नॉट लॉगिन वाले एरिया पे, और उसके बाद यहाँ हमें लॉगिन करने का ऑप्शन दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों आपको वही यूजर पासवर्ड डालना है जो कि आपने वेबसाइट पे जाके क्रिएट किया था, और यहाँ पे आप लॉगिन बाय ही कनेक्ट पे टैप करेंगे। जैसे ही आप टैप करेंगे देखिए यहाँ पे कैमरा लिखा हुआ आ गया हमारे पास, और कैमरा पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो ये दिखा रहा है कैमरा नंबर 1, और नीचे दिख रहा है लाइव व्यू। लाइव व्यू पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही लाइव व्यू पे आप क्लिक करेंगे ये आपसे वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, तो यहाँ भी आपको 1 टाइम वेरिफिकेशन कोड को इंटर करना पड़ेगा, और इस जगह पे कंफर्म वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे ये इस तरह से देखिए लाइव व्यू स्टार्ट हो जाएगा। अभी प्ले स्टोर पे IBMS 4500 अवेलेबल है, आप इसके थ्रू भी देख सकते हैं। एक कनेक्ट में आप जाके वहाँ पे अपना पहले क्रिएट कर लेंगे आईडी, और उससे के बाद आप यहाँ पे लॉग इन करके बहुत इजीली देख पाएंगे। और यहाँ भी सेम फीचर मिल जाता है, कैमरा यहाँ पे सिंबल है, आप पिक्चर ले सकते हैं। यहाँ वीडियो कैमरा का सिंबल है, देख रहे हैं आप रेड होगी अगर आप इसे सेलेक्ट कर रहे हैं। अगेन सेलेक्ट करेंगे तो ये सेव कर देगा फाइल को, और यहाँ 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पिक्चर एंड वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे अगर आप जाएंगे तो देखिए अभी हम लोगों ने एक पिक्चर क्लिक कर किया था यहाँ पे, और एक वीडियो छोटा सा शॉर्ट लिया था, तो देखिए कि ये वीडियो भी यहाँ पे सेव। अब आपको लाइव व्यू देखना है तो बैक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, लाइव व्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लाइव व्यू हमारा स्टार्ट हो जाएगा। यही सारी चीजें यहाँ पे प्लेबैक चेक करने के लिए यहाँ 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही करेंगे देखिए यहाँ पे रिमोट प्लेबैक का ऑप्शन मिल जाता है, आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ प्लस का सिंबल मिलेगा हर बॉक्स में, तो किसी भी बॉक्स पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा किस टाइमिंग से किस टाइमिंग पे आप देखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे 19 तारीख ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। और कैमरा पे टैप करेंगे तो एक ही कैमरा है, अब उस पे हम लोग टैप कर लेंगे और उसका प्लेबैक यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास प्लेबैक स्टार्ट हो गया। ये नीचे जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा लाइनिंग, ये रिकॉर्डेड है, इस टाइम पे हमारा रिकॉर्डिंग ऑन था, रिकॉर्ड किया है कैमरे ने, अब ये यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप नॉर्मली प्लेबैक वगैरह देख लेंगे। लाइव व्यू में आने के लिए 3 लाइन पे क्लिक करके आप लाइव व्यू पे आ जाएंगे। आप दोनों में से कोई भी ऐप पे इसे लॉग इन करके देख सकते हैं। यही था दोस्तों ऑनलाइन करने का पूरा प्रोसेस, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको जानना हो इस कैमरे का सेटअप आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके इसे देख सकते हैं। और हाँ, इसका अनबॉक्सिंग का भी वीडियो बना हुआ है, अगर आपको अनबॉक्सिंग भी देखना हो तो उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा और ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और बस अच्छे अच्छे हमें कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।